आज मैं कंटेक्ट खातिर तमस तैयार कि बह आज मैं दिल जान तैयार माल जान हेत तैयार भी नीडफुल है चाहे वो लेडीज है वो जेंटस है हमें उसका आधार कार्ड उसका राशन कार्ड और जो सरपंच है वहाँ का या पंच है उसका लिखा हुआ होना चाहिए कि जो है प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस उसमें इनको मैं ऐड करूँ ताकि ये भी 8-10 हज़ार रुपया जो है माहवारा वो कमा सके और अपने अयाल आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी चार साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रे मोहतरम, आप देख रहे हैं कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। नाज़रीन, इस समय हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा के सुंबल इलाके में। आज यहां आम आदमी पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला जनाब गिलानी साहब और इन्होंने आज यहाँ विजिट किया, किस रिगार्डिंग विजिट किया इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम आपको ये भी बता दें चले कि इस टाइम आप ये लोगों का हजूम क्राउड ऑफ पीपल यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसलिए आए हैं क्योंकि इनके कुछ मुद्दे हैं, इनके कुछ मकसद है, ये इसलिए यहाँ पे आए हैं। ये जो आप यहाँ पे गरीब आवाम हमारे साथ ये देख रहे हैं और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कई कारकुनान और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारीपोरा और यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट संभल या बाकी भी यहाँ पे नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद है और इनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि गिलानी साहब ने आज यहाँ पे दौरा किया, किस रिगार्डिंग दौरा किया, इसका क्या कुछ मुद्दा मकसद है। सबसे पहले सर आप ये बताए कि किस रिगार्डिंग आपने यहाँ पे विजिट किया सर? या करना बदुवी या करना स्थाइन, आज मैं मेरा जो विजिट है संभल में डार साहब के ऑफिस पे था और भी बहुत जगहों पे था, लेकिन मेरे कहने का ये मकसद है कि यहाँ की जो गरीब आवाम है मैंने इनको देखा, ये बेचारे बड़े परेशान हाल हैं, तो मैंने सोचा हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जम्मू कश्मीर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी अलकुरैश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारी जो एफिलिएशन है ये वो है कोटा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट फ्रॉम केरला। जी बिल्कुल, तो मैं चाहता हूं कि उसकी जानब से यहां के लोगों को, यहां के बेरोज़गारों को और यहां की जो बेवाएँ हैं, जो बीमार हैं, जो गरीब तबका यहां के, उनको हम कुछ मदद करें। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आके मैंने इन लोगों को देखा, इनको सुना और इंशाल्लाह मेरा यहाँ आने का सिर्फ यही एक मकसद था कि डार साहब को साथ लेके अपनी पार्टी के लिए मैं भी कुछ थोड़ा बहुत काम करूँ अपने ट्रस्ट के थ्रू। तो मैं इन जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जितने भी ये मेरी माँ बाएँ बहनें मेरे भाई हैं, तो उनके लिए मैंने एक गिफ्ट ये लाया है कि इनको मैं इंशाल्लाह इनके केसेस बना के मंथली हम इनको मदद किया करेंगे। अच्छा, कितना मदद होगा इनको? वो दूसरी बात है, कितना होगा वो हम कह नहीं सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, हमारी जो हैसियत है उसके मुताबिक, ठीक है, ताकि इसका जो लाभ हो वो बराए रास्त हमारी पार्टी को। इसका प्रोसीजर क्या है, ये खास कर इन लोगों के लिए है या बाकी भी जितने भी बांडीपोरा के या बारामूला के जो बाशिंदे हैं वो मजदूर है या बाकी ये पसमांदा लोग हैं सफ़ेद पोश है उन के लिए? बिल्कुल, हर एक के लिए हमारा ये जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह करके हम दिखाएंगे। दूसरी बात ये है कि हमारे पास इस समय प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हम उनके थ्रू जो है प्राइवेट सिक्योरिटी उनके थ्रू हम बैंक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, या जो घर में लोग बड़े बड़े लोग हैं उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको लोग चाहिए, वो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के 100-200 जो बच्चे हैं उनको मैं सिक्योरिटी जो है प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस उसमें इनको मैं ऐड करूं ताकि ये भी 8-10 हज़ार रुपया जो है माहवारा वो कमा सके और अपने अयाल की परवरिश। इसका प्रोसीजर क्या है, इनको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इनको थोड़ा बहुत जो इस टाइम आपको सामीन नाज़रीन देख रहे हैं उनको आप ये बताएंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर पहले जो ट्रस्ट का प्रोसीजर है वो ये है कि जो भी नीडफुल है चाहे वो लेडीज है वो जेंटस है हमें उसका आधार कार्ड उसका राशन कार्ड और जो सरपंच है वहाँ का या पंच है उसका लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई ये नीडेड है इस चीज़ के लिए, फिर इसकी वेरिफिकेशन होती है, हम देखते हैं इसका अकाउंट नंबर होता है, इसकी वेरिफिकेशन हम करते हैं, तो जो हमारे वहाँ से फंडिंग होती है वो हम इनके अकाउंट में बराए रास्त दे देते हैं। अच्छा, वो लोग आप अगर उन लोगों को आपसे कॉन्टेक्ट करना पड़ा तो वो कहाँ से करें? हमारे फ़ोन नंबर तो उनके पास लगे हैं, हमने दे दिया फ़ोन नंबर उनको, वो हमें कांटेक्ट करेंगे और ख़ास करके जो मेरे डार साहब यहाँ पे हैं, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब हैं, इनके पास आएंगे तो ये डायरेक्ट हमारे साथ उनका राबता करके, तो इंशाल्लाह इनकी ही वसादत से जो भी काम यहाँ पे मैं करने आया हूँ वो डार साहब की वसादत से आए। चलो सर, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपोरा जनाब गुलाम मोहम्मद डार साहब, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज यहाँ पर ये गिलानी साहब ने दौरा किया और किस रिगार्डिंग दौरा किया इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो इवन तो
इस स्कीम अत मुतलिक थोड़ा बहुत सिस आवाम मे वन कहत शुक्र अलहमदिल्ला मे दावत दिखा गिलानी साहबस अम कर सी दावत कबूल अम कर पुन टाइम यह आम वेलकम करा ये वन तुन अम अस खास मदा मकसद ये गिलानी साहबस मान तरफ गुजारिश अगर अब दह दह लगन अगर लगे पांच दह बाकी वसलम तो तुम तो ये कॉन्टेक्ट आन तो सह योर इस बह कंटेक्ट खातिर तमस तैयार कि बह आ दिल जान तैयार माल जान हेत तैयार कि मेस टेबल्स पे वाति बहुत वेलकम हेत अड वे गुलाब हेत चलो बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ के बाशिंदों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनको क्या कुछ इस स्कीम के तहत जो है फायदे हुए। तो मैं तो क्या चुनाव मैं चुनाव सज्जाद अहमद डार बु तहसील सेक्टर क्या स्कीम बारस मकीम बारस मन कहें मसला अत मजी ये बेरोजगार इंटरेस्टेड आत मज हे कंटेक्ट कर तिमन हे रोजगार मिलित। चलो आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी जितने भी वाजिए कश्मीर के युवा बेरोजगार नीडफुल जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप यहाँ पे आम आदमी पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट बारामूला और आम आदमी पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट बानीपुरा इनसे कॉन्टेक्ट रबता कर सकते हैं। तो आज के इस टॉप रिपोर्ट में इतना ही, खुदा हाफिज। Subscribe Kashmir Global Times YouTube channel and push the bell icon for more updates.